Seems like forever since we've been together. Oh God, I miss you bad. And I read your letters and look at your pictures. Oh God, I miss you so bad. It's been so long, I know, but I'm fine. गुड मॉर्निंग, मतलब आप वीडियो कब देख रहे हैं मुझे पता नहीं, बट हम लोगों की गुड मॉर्निंग हो गई है. अभी भी फुल अंधेरा है और अगर आप सोच रहे हैं क्या हमें इस ग्लास इग्लू से नॉर्दर्न लाइट्स दिखी, नहीं हमें नहीं दिखी नॉर्दर्न लाइट्स. हाँ, ये हम लोग बाहर घूम रहे थे रात में, तब एक पिक्चर क्लिक किया, उस पिक्चर में नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही है क्योंकि तब थोड़ा क्लाउड ना चला गया था, बट ऐसे नेकेड आई से तो हमें वो भी नहीं दिखी, बट पिक्चर में देयर इज वन. और लेयरिंग डन. अब जाना है, ब्रेकफास्ट करना है और आज करेंगे हम रेंडियर राइड. बट जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो हुआ है, अभी भी यहाँ पे स्नो है और जो स्लेज लेके आए थे वो भी फुल स्नो में कवर्ड हो गया, तो पहले वो सब साफ करना होगा, फिर सारे सूटकेस उसके ऊपर रखने होंगे, फिर स्लेज करते हुए पूरा जाना पड़ेगा टूवर्ड्स रिसेप्शन और वहीं ब्रेकफास्ट होगा और ग्लास इग्लू को करना पड़ेगा बाय. सो लेट्स गो एंड बाय टू दिस ब्यूटिफुल ग्लास इग्लू, अ ड्रीम कम ट्रू. ये रहा हमारा स्लेज और आप स्नो देख रहे हैं, कल तो थोड़ा ही कम था, आज तो बहुत ज़्यादा हो गया, पूरा शूज अंदर जा रहा है और अभी पहले ये स्नो हटाना पड़ेगा. एक टिप हो सकती है, दो टाइप के सूटकेसेस आते हैं हमारे पास ना, वो क्लॉथ वाला सूटकेस है तो थोड़ा सा रिस्क लगता है कि ये पानी, ये जो स्नो है वो पिघल के पानी बन के अंदर ना चला जाए, तो आप वो जो दूसरा वाला सूटकेस होता है ना जो प्लास्टिक का फुल रहता है, वो वाला सूटकेस ज़्यादा सूटेबल हो सकता है. बट अभी तक प्रॉब्लम आया नहीं है, बट देयर इज़ अ रिस्क हमारे वाले सूटकेसेस से. या सो दिस इज़ हियर. चलो अभी से साफ करते हैं और मेरा पूरा जो फीट है वो अंदर स्नो के अंदर जाता जा रहा है. तो पूरा कर दिया है साफ, रखते हैं इस पे सूटकेस. और कल मुझे बहुत जोश में मैं इसको घसीट रही थी, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बाद में थोड़ा सा बैक एक हो रहा था, तो आज मैं सिर्फ इसको पीछे से पुश करूंगी और सौरभ आगे से घसीटेगा, दैट्स हाउ इट शुड बी डन. सो रखते हैं अब इसके ऊपर सूटकेसेस. अ लॉन्ग वे टू रिसेप्शन. और ये अपने आप हो रहा है स्लाइड, स्लो पैदर. ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही सिंपल है, कॉर्नफ्लेक्स. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये है ना फिनलैंड की ब्रेड है, इसका नाम बहुत ही डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस है, मैं लिख दूंगी तो आपको पता चल जाएगा. और ये पोटैटो का कवर है एंड अंदर इट्स पोटैटो और राइस. और सौरभ ने लिए छोले और ये हैश ब्राउन्स है आलू के एंड ऑफकोर्स क्रोसॉन. और ये क्या है, कॉफ़ी की चाय है सौरभ? कॉफ़ी. कॉफ़ी. Yeah, so this is our breakfast. We have 15 minutes to finish breakfast. Uske baad hamari shuru hone wali hai first activity of Lapland. Woo! Your guides today. You can also call me Terry if that's easier. So first we will walk a short distance to the changing rooms, and there you will get warm overalls to put on top of your own winter clothes. So then you will feel like Michelin man, but also very warm when you're staying in the sleighs. So mil gaya hai ye suit and you have to wear this over everything. Matlab jitne layering maine ki uske upar ye jayega. Let's see, aata bhi hai ki nahi. With my shoes on. Actually I'm lost in this suit.
all set. What do you think? How I look? ये खुला है, ये बंद करना है अभी. Looking nice? Yes. हम लोग खड़े हैं क्यू में और किस लिए खड़े हैं? टैक्सी के लिए. नहीं, रेंडियर्स के लिए. बहुत सारे लोग हैं और हम फर्स्ट हैं. हम लोगों का टर्न आ गया है जाके रेंडियर पे बैठने का. ये मेगा बैठ गए हम लोग रेंडियर. सुबह सुबह उठना. रात में हम लोग नॉर्दर्न आइस के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे तो लेट सोए थे, मगर इसके लिए सुबह जल्दी उठे. ऐसा हुआ था, मुझे तो लगा कि वो मैंने बताया था ना वहाँ पे एक अलार्म बजता है. मुझे सपने में भी अलार्म बजा और मुझे लगा कि आ गई नॉर्दर्न आइस, तो उठ के देखने लगी. टेक्निकली नॉर्दर्न लाइट्स दिख गई थी, मगर वो कैमरे के लेंसेस सर हमको आँख तो नहीं दिख रही थी. बट नेवरदलेस हम लोग बैठ चुके हैं हमारे स्लेज में और इतने कपड़े पहनने के बावजूद भी थोड़ी थोड़ी सी चिलिंग फीलिंग तो हो रही है. वी हैव आल्सो दिस ब्लैंकेट, सो आराम से बैठ के रेंडियर को एंजॉय करेंगे. हम शायद मोटे हो गए, तो लहरी क्या था कि ऐसे घूमते हैं दोनों फिट हो गए, जैसे कि हमसे थोड़ा सा और बड़ा साइज का कोई होगा उसका तो बहन अच्छा है. Thank you. बहुत ही मजा आ रहा है, अमेजिंग. मगर हमारे जो पीछे वाला जो रेंडियर स्लेज है ना, वो तो यहाँ आ गया मेरे बगल में. वो हमारे साथ जाना चाहता है और गाइड ने बोला है डरने की कोई बात नहीं है, दे आर वेजिटेरियन तो वो आपको नहीं खाएंगे और इसके तो एंटलर्स भी नहीं है, तो वो कुछ नहीं करेगा. बस उसने बोला कि जब वो चल रहे हो, जब आप स्लेज ऑपरेशन हो रहा है उसका, तो उनको टच नहीं करो. और वैसे उनको कभी भी टच करने को मना किया है, क्योंकि उसका रीजन मैं बताती हूँ आपको कि आप एंटलर को टच क्यों नहीं, एंटलर रेंडियर को टच क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके स्किन के अंदर ना एयर पॉकेट्स होती है जिससे वो अपने आप को वार्म रखते हैं. टच करेंगे ना तो एयर चली जाती है और इसलिए दे डोंट लाइक इट. नो वन लाइक्स कि जब इतनी सर्दी में आप उनको उनके जो वार्म एयर है उसको हटाए. यू मी एंड रेंडियर. इसको हमारे साथ चलना है. आई डोंट नो व्हाई. सो ही इज लाइक आई लाइक यू गाइस. उसको भी व्लॉगिंग में आना है. आप पेड़ देख रहे हैं ना, पूरा स्नो कवर्ड पेड़ है. विंटर वंडरलैंड ट्रूली इट इज. आई थिंक आइसलैंड में और फिनलैंड में यही एक डिफरेंस है, क्योंकि आइसलैंड में ट्रीज नहीं है तो स्नो बहुत होता है, मगर ये ऐसा जो व्यू है ये आपको सिर्फ फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे में मिलेगा. ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे बाकी के जो पेड़ है वो यंग है, वो उनके थोड़े थोड़े बाल सफेद हुए, थोड़े काले हैं, और ये बहुत ही एजेड पेड़ है, सारे बाल सफेद.
एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, तो जो फनी बात है वो ये है कि जो रेंडियर हमारे आगे चल रहा है, मतलब जो हमें पुल कर रहा है, वो साथ में करता जा रहा है उसकी जैसे गाय की गोबर नहीं होती है वैसे रेंडियर का गोबर सफेद स्नो पे काला रेंडियर का गोबर पूप अपना आपको वो देखना पड़ता है पीछे बैठे बैठे, तो इस मैजिकल चीज को देखते देखते यहाँ तो अगेन द सिल्वर लाइनिंग इज केटली स्मेल नहीं आ रही है सो हमारी रेंजर सफारी इस कारण टू एन एंड बहुत ही एपिक एक्सपीरियंस था। अगर आपने देखी है पहले कहीं और प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्लान करें, और अगर नहीं देखी है तो ये वीडियो देख के आप डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, जरूर प्लान कीजिए। और ये था हमारा थर्ड पार्टनर आज के ब्लॉग का, आज के ब्लॉग का। So everyone should come for Reindeer Safari, right? Yeah. वो बोला yes, वो आया specially video में आने के लिए। तुम लोग फिर से ले रहे हो video, मुझे तो नहीं लिया। और यहाँ के पास में ही हस्की की आवाज भी आ रही है। But हम यहाँ हस्की कर रहे हैं, वो देखना है तो देखते रहिए हमारी ये सीरीज। वार्म जूस और गरम गरम आग। बाकी सब लोग कहाँ चले गए? मेगा रेंडियर को फीड करने, हम अपने आप को फीड करने में इतना लेट है। बट आई एम आल्सो डन नाउ। और उसने बोला है कि जब आपका कप खाली हो जाए यू कैन थ्रो इन द फायर। है लाइकन और उसे खाना है। मैं बोल ही नहीं पाई उतनी देर में, तो आके खा गया। ये उनके लिए है ना कुकीज जैसा है, एंड देयर फेवरेट है इसलिए। बस चाहिए तो और भी ले सकते हैं, एक बार और लेके आती हूँ। So many. I'm not saying anymore. Saurabh ne sab apni taraf attract kar liya. They are harmless animals. Aram se wo khate. Khud ne bhi khana kha liya, reindeer ko bhi khana khila diya, aur reindeer ko unka favorite snacks khila diya. And now see. Trying to get rid of this. I need your help. I'm coming. तो ऐसे होती है ये जो मेन पाथ है चलने का, वहां की स्नो रिमूव। Thank you.
आपको रात में ये रोड दिखाई थी, अभी थोड़ी डे लाइट में आपको ये रोड दिखाते हैं। ओके, अमेजिंग राइट। और ये हमारे ग्लास इग्लू से जाती है टुवर्ड्स रिसेप्शन। ये जगह देख रहे हैं कितनी सुंदर है, विंटर वंडरलैंड, सब जगह वाइट ही वाइट है, ऑल ओवर स्नो, ट्रीज पे स्नो, फुटपाथ पे स्नो, इधर जो गार्डन टाइप है उस पे भी स्नो, लैम्प पोस्ट पे स्नो, और अभी स्नोफॉल हो भी रहा है। इट्स प्योर मैजिक, लाइक आई एम नॉट एबल टू बिलीव एज वेल कि कोई जगह इतनी सुंदर हो सकती है क्या। एंड आई एंड सौरभ रियली थैंक गॉड कि हम कोई ऐसी जगह आ सके हैं। मैं अभी तक अपनी आंखों में बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि हम कोई इतनी सुंदर जगह देख रहे हैं। आपको कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में।